कहाँ से आए हैं दीदी आप लोग सब? बिश्नूर से आए। कब आना हुआ आपका? कल से आए। तो रात को कहाँ स्टे किया था आप लोगों ने? यहीं किया था। और कितनी परेशानी गई थी रात को? बहुत बारिश हो रही। तो आज व्यवस्था में कुछ सुचार मिला? क्या मिला आज आपको? बिछाने के लिए त्रिपाल दे दी गई है ना। और भोजन प्रसादी का ठीक रहा? पानी की बोतल। अच्छा, तो आप एक चीज बताइए, ये आप टीवी पे भी सुन सकती थी कथा, सभी लोग यहाँ क्यों आए? अच्छा, दोनों में अंतर है सुनने में, यहाँ का एक माहौल भी अलग लगता है। तो आप सातों दिन के लिए रुके? आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है। तो आप भजन वजन कुछ कर रहे हैं यहाँ? अच्छा अच्छा, कितने लोग आए आप लोग? हम लोग 15-20। 15-20 लोग हैं लगभग लगभग। अब कितने दिन रुकेंगे आप, पूरी कथा तक या फिर? पूरी कथा तक रुकेंगे। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, एक बार सब लोग जयकारा लगाएं। हर महादेव। दीदी लोग कहाँ से आए आप लोग? बैतुलगढ़ कॉलोनी से। तो आप नाइट स्टे यहीं करेंगे? नहीं, हमारी भोजन व्यवस्था में ड्यूटी थी। अच्छा, कैसे अनुभव है थोड़े बताएं यहाँ के लोगों को, और कुछ सेवा? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा, लेकिन हमारे छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इसीलिए जाना पड़ रहा है। जी जी, आप दोनों आप भी साथ में ही हैं? कितनी कितनी महिला मंडलों का समूह है आपका? 200 है, साई समिति। अच्छा, साई समिति है, बिल्लो दीदी वाली। चलिए ठीक है। लेकिन वो क्या है, यहीं के निवासी हैं? बाहर से कहीं से आए हैं? यहीं से। तो रात्रि कालीन में मतलब आप यहाँ दर्शन देखने के उद्देश्य आए हैं, घूमने के उद्देश्य आए हैं, या रात रुकने के? दर्शन देखने के। अच्छा, मन नहीं माना, रात में आना ही पड़ा है। जी। दिन में कथा सुनते हैं आप लोग? क्या भोला है कि मन ही नहीं मान रहा है, ये भी बात है। बस वो है ही इतना भोला कि क्या करें आप। तो दिन में कथा सुनने आप यहीं आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, रात में फिर आए? जी। चलिए बढ़िया बढ़िया। चलो एक नमन गौरा पार्वती, ठीक है, अब तो दिक्कत नहीं होगी रात को ओढ़ने बिछाने सोने में? नहीं। बढ़िया, कहाँ से आए आप लोग? हम ये दरगाह उमरी। दरगाह उमरी से आए। चलिए, बैठने के लिए नीचे ताल त्रिपाल है? हाँ। और सामान है? दो ही लोग हैं कि और भी ज्यादा हैं? नहीं, हम 5-6 लोग। 5-6 लोग हैं। चलिए ठीक है, हम इधर घूमने आए थे। जी जी जी, ठीक ठीक ठीक, ठीक है ठीक ठीक। हर हर महादेव। भैया भैया के द्वारा कम्बल बांटा गया है। दीदी भाभी महिलाएं, पटाखा व्यापारी संघ की महिलाएं, उनके परिवार की महिलाएं रात्रिकालीन चाय की सेवा प्रदान करते हुए, सभी भक्तों सेवादारों के लिए चाय की सेवा देते हुए। बम बम बोलते जाएं, चाय चाय पीते जाएं। प्रशासन को भी चाय की व्यवस्था दी जा रही है, क्योंकि ये हमारी सेवा में लगे हैं, सभी की सेवा में लगे हैं। सर, जय हिंद। भाई मूवी आने चाहिए। सेवा करने का तो इस तरीके का मनीष भैया के विचारों जैसा कि आप तो पियो, पीना ही पड़ेगा आज, सब तो सेवा भाव की चाय है, सबको पीना ही पड़ेगा, नहीं कोई नहीं करेगा, सब चाय प्रसाद है, सब चाय पियो, सभी लोग चाय पीजिए, प्रसाद लीजिए सभी लोग। लीजिए भैया चाय पी लीजिए, चाय लो, ले लो भाभी जी, लो ले लो ले लो ले लो, मना नहीं करना, लो, कोई मना नहीं करना, लो चाय लो।